हेलो सीए चैंपियंस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सीए फाइनल ऑडिट का 5 मंथ्स का सक्सेस प्लानर। टारगेट हम करेंगे 70+ के लिए। क्या क्या डिस्कशन होगा इस वीडियो में, सबसे पहले बताऊंगा बेस्ट सीक्वेंस क्या रहेगा जिससे आपके मिनिमम मेहनत पे मैक्सिमम मार्क्स आ पाएंगे, फिर स्टडी मटेरियल फॉलो क्या करना है आपको उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि प्रोनाउंसमेंट हमको करने हैं कि नहीं करने हैं। और एंड में मैं आपको बताऊंगा स्टडी टाइमलाइंस दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जिनका सिंगल ग्रुप है उनके लिए भी और बोथ ग्रुप्स वाले बच्चों के लिए भी, मैं वो बता दूंगा। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, सीए शंकर लखमानी टेलीग्राम चैनल का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। सर बेस्ट सीक्वेंस के बारे में बताओ। सर समझो पार्ट 1 2 3 4 5 ऐसे करके मैंने 5 पार्ट्स में बांट दिया है आपके सीए फाइनल ऑडिट के सिलेबस को। दिक्कत क्या हुई है ना, अभी जो नया सिलेबस आया है उसमें 50% पोर्शन एसेस का है और 50% पोर्शन ऐसा ये चैप्टर्स का है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं ना, वो डरे हुए हैं और वो लोग कह रहे हैं कि एसेस ही हमको करना है। लेकिन एक सिंपल सी बात समझो, एसेस है ना थोड़े टफ है, थोड़े टेक्निकल है, चैप्टर्स कंपेरेटिवली ईजी है। तो एसेस से पहले आपने चैप्टर्स पे ध्यान देना है, क्योंकि एसेस आपको ज्यादा मेहनत में कम मार्क्स देके जाएंगे, चैप्टर्स आपको कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स देने जाएंगे। और आपने पहले एसेस उठा लिया ना, तो आप क्या करोगे ना सर, पहले ऐसे आप उठाओगे तो चैप्टर्स पर टाइम नहीं डिवोट कर पाओगे, तो पहले आपने चैप्टर्स उठाने हैं। ठीक है, इजी वाले चैप्टर्स शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स आपके स्कोर हो जाएंगे, ऐसे ऐसे इजी हैं ये वाले जो चैप्टर्स हैं, तो पहले आपने उनको टारगेट करना है। पार्ट वन में मैं लूंगा इजी टू स्कोर स्मॉल चैप्टर्स। सर कौन से होंगे वो चैप्टर्स, डिजिटल ऑडिट, ग्रुप ऑडिट, पीएसयू ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक ऑडिट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चैप्टर्स इजी वाले छोटे चैप्टर्स हैं, मेरे को पार्ट वन में करने हैं। पार्ट टू में मेरे को क्या करना है सर, बिग चैप्टर्स मेरे को पार्ट टू में कवर करने हैं। सर कौन से बिग चैप्टर्स, बैंक ऑडिट, एनबीएफसी ऑडिट, प्रोफेशनल एथिक्स, ये चैप्टर्स मेरे को पार्ट टू में कवर करने हैं। उसके बाद आ जाएंगे हम पार्ट नंबर थ्री पे, जिसमें ओल्ड एसेज हैं। ओल्ड एसेज यानी कि जो अभी तक सिलेबस चल रहा था उसमें जो एसेज थे वो वाले पार्ट थ्री में हम ओल्ड एसेज करेंगे। मॉड्यूल के चैप्टर नंबर 1 2 3 4 7 वो आएगा हमारा पार्ट नंबर थ्री में। पार्ट नंबर फोर पे फिर हम आ जाएंगे जिसमें न्यू एसेज होंगे। सर न्यू एसेज का मतलब वो एसेज है जो कि नए सिलेबस में न्यूली एड किए गए हैं। चैप्टर नंबर 8 9 10 11 हमें करना है। और पार्ट नंबर फाइव आ जाएगा इंटरमीडिएट के एसेज, जिस पर मैंने स्टार लगाया हुआ है। सर स्टार का मतलब यह है कि ये इतने इंपॉर्टेंट एसेज नहीं है, इसमें खाली आपको एप्लीकेशन पार्ट टेस्ट होगा, तो आप इसके खाली वीडियोस देख लेंगे ना तो भी चलेगा, आप इसको याद नहीं करेंगे तो चलेगा। इसके वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड करता रहूंगा इसके वीडियो। तो चैप्टर नंबर फाइव और चैप्टर नंबर सिक्स आपने क्या करना है, पार्ट फाइव है ये आपको एकदम एंड में करना है। डी कैटेगरी के एसेज आप इनको मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल फॉलो करनी है और उसके साथ प्रोनाउंसमेंट हमें फॉलो करने हैं कि नहीं करने हैं, ये बहुत से लोगों के जुबा पे सवाल है। स्टडी मैट में हमें क्या फॉलो करना है, देखो सर मॉड्यूल तो आपको फॉलो करनी ही करनी है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। प्रोनाउंसमेंट्स आपको करने हैं या नहीं करने, देखो अगर आपने आज कर लिए ना प्रोनाउंसमेंट्स, तो 99.99% चांस ये है कि आप 1.5 डेज में रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो मेरा जवाब है कि आपको प्रोनाउंसमेंट्स नहीं करने हैं, लेकिन अगर प्रोनाउंसमेंट्स में से कोई भी रेलेवेंट चीज मेरे को लगेगी जो कि आपके एग्जाम में आने लायक है, तो मैं इस चैनल पे वीडियो बना के डाल दूंगा और टेलीग्राम पे उसके नोट्स डाल दूंगा, तो उसके आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी ऐसा मान के चलो कि प्रोनाउंसमेंट्स आपको नहीं करना है, मॉड्यूल पे आपने फोकस रखना है। स्टडी टाइमलाइंस मैं आपको बताता हूँ, पहले बताऊंगा सिंगल ग्रुप वालों के लिए, फिर बोथ ग्रुप वालों के लिए। सिंगल ग्रुप वालों को क्या करना है सर, 3 रिवीजन उनको करने हैं ऑडिट में, 3 रिवीजन आसानी से हो जाएंगे। एक दिन में उनको 4 से 5 घंटे मिनिमम ऑडिट पढ़ना है। ठीक है, पार्ट 1 एंड 2, पार्ट 3 एंड 4 आपको इतना ही करना है। जो पार्ट 5 है ना यानी इंटरमीडिएट के एसेज, जो आप रिवीजन में ले लोगे या वीडियो देख लोगे तो भी चलेगा, उसको अभी आपने ध्यान नहीं देना। देखो सर पार्ट 1 एंड 2 आपको 15 जनवरी 2024 तक खत्म करने की कोशिश करनी है। उसके बाद 16 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी तक आपको पार्ट 3 एंड पार्ट 4 क्या करने हैं, खत्म करने हैं। फर्स्ट रिवीजन जो कि आपके 20 दिन लेगा, 1 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक आपको फर्स्ट रिवीजन करना है। उसके बाद सेकंड रिवीजन आपका 15 डेज लेगा, 21 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल आपका सेकंड रिवीजन होगा। और थर्ड रिवीजन आपका 7 दिन लेगा, 11 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक आपको थर्ड रिवीजन करना है। 7 दिन में आप एक बार करोगे पूरे सब्जेक्ट को, तभी आप आखिरी के 1.5 डेज में रिवाइज कर पाओगे। बात करूं मैं बोथ ग्रुप्स वालों की, तो बोथ ग्रुप्स को क्या करना है, एक दिन में 2.5 to 3 hours देने हैं आपके ऑडिट को। पार्ट 1 एंड 2 आपको खत्म करना है 25th of January 2024 तक। पार्ट 3 एंड 4 आपको खत्म करना है 26 जनवरी से लेकर के 20th मार्च तक। ठीक है, और आप लोग 2 ही रिवीजन करोगे, 3 रिवीजन का आपको टाइम नहीं है, और 2 रिवीजन में भी आपका अच्छी तरीके से ऑडिट हो जाएगा। पहला रिवीजन जो आप करोगे वो 15 दिन का रहेगा, 21 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक का फर्स्ट रिवीजन आपने करना है। उसके बाद जो सेकंड रिवीजन आप करोगे वो 1 वीक का रहेगा, 11 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक, तभी 1.5 डेज में आप आखिरी के कर पाओगे। तो ये आपको प्लान फॉलो करना है सीए फाइनल ऑडिट के लिए। वीडियो को लाइक करते दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे कमेंट में बता देना कि और कौन से आपको वीडियो चाहिए इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट।